हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है ए टू जेड हेल्थ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीम टोकन्स क्या हैं। मीम टोकन्स हालांकि फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग पे रहे हैं, तो क्या है ये मीम टोकन्स? क्या आपको इसके बारे में मालूम है कि मीम टोकन्स क्या होते हैं, और मीम टोकन्स वर्सेज यूटिलिटी टोकन्स यानी मीम टोकन और नॉर्मल टोकन में कितने का डिफरेंस होता है? तो जी, मैं बता दूँ कि मीम टोकन वो टोकन होते हैं जिनका रियल लाइफ वर्ल्ड में कोई भी यूटिलिटी नहीं होता है। जितने ही बड़े कॉइन्स हैं, जैसे बिटकॉइन है, ये सब है, तो इनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इनके फ्यूचर में या फिर से प्रेजेंट में ही रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन करने में या फिर से किसी और चीज़ में। लेकिन मीम टोकन वो होते हैं जो कि ऐसे ही मजाक के लिए इंटरनेट पर क्रिएट किए गए होते हैं। मीम टोकन जनरली जो मीम्स आप जो स्टिकर्स ये सब जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पे यूज करते हैं, उन्हीं को यूज करके जस्ट फॉर नॉन प्रॉफिट यूज के लिए बनाए जाते हैं, और इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और इसको खरीदते हैं। इन्वेस्टर्स को ये खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये बहुत ही लो वैल्यू के कॉइन रहते हैं। जैसे कि आपको 1 रुपये में 1 लाख, 1 रुपये में 1 करोड़ इस टाइप के आपको कॉइन मीम टोकन्स मिलते रहते हैं। 2013 में पहला मीम टोकन जो कि डोज कॉइन को लाया गया था, तभी से लेके अभी तक डोज कॉइन एक लार्ज कैप कॉइन बन चुका है। इसको एलॉन मस्क ने भी प्रमोट किया था। उसके बाद शिबा इनू भी, वो भी अभी पंप हो चुका है। ऐसे ही माना जा रहा है कि मीम्स टोकन से आप जो पैसा कमा सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो कहीं से भी इतने परसेंटेज के रिटर्न्स आप नहीं पा सकते। तो मीम टोकन क्या होते हैं, इसको मैं एक बार समराइज कर दूं। मीम टोकन वो कॉइन होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट यूज, मतलब फन के लिए बनाए जाते हैं, जस्ट जोक क्रिएट किए जाते हैं, और इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट करते हैं, शो करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका प्राइस बहुत कम होता है और वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और आपको एक, मतलब आपको 1 रुपए का कॉइन आपको 100-200 रुपए के कॉइन में चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 रुपया कॉइन आप 100 रुपए जा सकते हैं, आपको कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिस्की कॉइन होते हैं क्योंकि इनका कोई वैल्यू ही नहीं होता। अगर आप मीम टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक प्रकार से गैम्बलिंग कर रहे हैं, यानी जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि ना तो उसका कोई फ्यूचर यूज है, ना तो उसका कोई फाइनेंशियल है, फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक रिटर्न चाहिए, तो आपको उसमें उतना इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप भूल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीम टोकन क्या होते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल ए टू जेड हेल्थ में आपको क्रिप्टो रिलेटेड नॉलेज हिंदी में मिलते रहते हैं, तो जाने से पहले आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।